बड़वानी के बस स्टैंड पर खर्चे के रुपये मांगने पर नहीं देने पर गंगाराम पर चाकू से हमला। दिन दहाड़े घटना को दिया गया अंजाम। पेशे से बस में क्लीनरी का कार्य करने वाले गंगाराम आवासिया से रंगदारी करते हुए कान्हा यादव और प्रीतम चौहान ने रुपयों की थी मांग। अपने खर्चे के लिए गंगाराम से मांगे थे रुपये। गंगाराम ने मना कर दिया था तो कान्हा यादव ने गंगाराम की पीठ एवं गर्दन के नीचे चाकू मार दिया। बड़वानी पुलिस ने कान्हा यादव एवं प्रीतम चौहान को किया गिरफ्तार। कान्हा पर धारा 307 SC/ST में मामला बड़वानी कोतवाली में दर्ज किया गया है। ये अभी कुछ समय पहले, आधा घंटे पहले की बात है, बस स्टैंड पे जो है, जो गंगाराम आवासीय बस में क्लीनिंग करते हैं उनका जो है, उनसे जो कान्हा यादव निवासी नवलपुरा है उसके साथ में प्रीतम चौहान था, ये दोनों वहाँ गए और कुछ उससे पैसे मांगने लगे खर्चा पानी के। जो उसने मना किया तो इन्होंने ऐसे ही गाली गलौज किया और फिर उसमें बात ज़्यादा बात बढ़ गई तो फिर कान्हा के पास एक चाकू था, जो चाकू उन्होंने पीठ में और गर्दन पर गंगाराम की मारा है। इसमें कान्हा यादव उसका जो साथी है उसके खिलाफ़ धारा 307 IPC और SC/ST एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कान्हा यादव को गिरफ्तार कर लिया, उसके साथी भी गिरफ्तार में है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। अब ये मेडिकल और उसके बाद ही बताया जा सकता है। देख के मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा जो पूरे मध्य प्रदेश में एक सरकार के खिलाफ आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू हुआ है, उसी तारतम्य में बड़वानी जिले में भी 12 तारीख से समस्त विद्यालय जो हैं वो सरकार के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं और आज उसी के उसमें हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं और अब जाकर के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को अपनी विद्यालयों की चाबी सौंपेंगे जब तक हमारी 5 सूत्री मांगें, जिसमें से बड़वानी कोतवाली में गोपाल भावसार के परिजनों के साथ सकल हिंदू समाज के युवाओं के द्वारा थाने का किया गया घेराव। हिंदू समाज की प्रमुख मांग ये है कि गोपाल भावसार के मित्रों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें बेमतलब थाने पे बुलाया जा रहा है। इस संबंध में इन्होंने TI राजेश यादव को ज्ञापन भी दिया है और वहीं गोपाल भावसार के घर पर कुछ लोगों के द्वारा हमला भी किया है, उसकी ऊपर भी FIR करवाने की बात की जा रही है। वहीं क्या नाम है आपका? कमल कुमावत। यहाँ भीड़ क्यों लगाई थाने पे, क्या मामला है? ये भीड़ नहीं है, यहाँ पर जितने भी आए हैं सब हिंदू समाज के कार्यकर्ता हैं, हिंदू समाज जन हैं, ये यहाँ पर आक्रोशित होकर आए हैं। ये जो आए हैं कल, जो गोपाल भावसार घर से गायब हुआ है, उसको घर से अपहरण किसी लड़की के द्वारा किया गया है और उसको जो उसका अपहरण हुआ है उसको लेकर हम थाने पर FIR करने के लिए आए हैं। गोपाल भावसार का पूरा परिवार और सकल हिंदू समाज उनके साथ में है और पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अन्य कार्यकर्ताओं को भी उठाया गया है घर से, जिनकी कोई गलतियाँ नहीं है। आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी ये है कि कल सदर, जो बड़वानी मुस्लिम समाज का सदर है फरीद, वो परिवार गोपाल के घर पे गया था और उसके परिवार को धमकी दी, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, जान से मारने की धमकी दी है। तो हमारा निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि एक FIR दर्ज करी जाए और फरीद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। RPTV न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।